सरकार गद्दी पर बैठते ही समाज को बांटने का काम किया और लगातार कर रही है। संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोगों को बांटने का काम किया वो कर रही है, शैक्षणिक संस्थाओं में बैठे हुए लोगों का को बांटने का काम किया वो कर रही है, और न्यायपालिका में बैठे हुए लोगों को उन्होंने बांटा वो कर रही है, साफ नजर आ रहा है। और आज जांच एजेंसियों में बैठे हुए लोगों को भी बांट दिया। राफेल के मसले को देखकर जब राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, राहुल गांधी जी की आवाज के बाद जब सिविल सोसाइटीज ने जिस तरह से पत्र लिखकर सीबीआई को कहा कि इस राफेल घोटाले की जांच की जाए, सीबीआई इसकी जांच करे, सीबीआई के अधिकारी ने जब इसके पेपर तैयार कर लिए और अगले दिन सुबह जब वो राफेल घोटाले को लेकर उसकी जांच के लिए ऑर्डर करने वाला था, रात ही में उनको जो है छुट्टी पर भेज दिया गया। दुर्भाग्य है आज समझ में आया कि जो मोदी जी के समर्थक जो कहते हैं कि राहुल जी सुनिए मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं, आज समझ में आया कि 18 घंटा क्या काम करते हैं, अव्वल दर्जे का घोटाला करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और दो दाढ़ी वाले मिलकर इस देश का काम लगाने का काम करते हैं। सबसे बड़ा आरोपी किसको मानते हैं?